खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। उमरिया जिले के स्थित सर्किट हाउस में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा जिला अध्यक्ष व नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा एससी वर्ग के छात्राओं के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को गिनाया। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि भाजपा की सरकार सामाजिक उन्नयन और विकास के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम कर रही है। केंद्र सरकार छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए बजट बढ़ाया गया, जिसमें 60% केंद्र की ओर 40% प्रदेश सरकार की भागीदारी रही, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से सभी के खातों में राशि पहुंचाई जाएगी। इसके माध्यम से एससी वर्ग के छात्रों को श्रेणिक मजबूती प्रदान भी होगी। प्रधानमंत्री ने आर्थिक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा, वो साकार होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य कि प्रधानमंत्री की योजनाएं सभी तक पहुंचे। एससी बंधुओं के कल्याण के लिए सदैव सही कृत संकल्पित रही है, उसी के परिपेक्ष में एससी मोर्चा द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे केंद्र की सरकार एससी बंधुओं के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना लाई है, जिसके तहत उनके कल्याण और उनके शैक्षणिक विकास और उन्नतोत्तर विकास के लिए 60% की राशि केंद्र सरकार द्वारा और 40% की राशि 40% की भागीदारी प्रदेश सरकारों द्वारा की जाएगी, जिसके माध्यम से शैक्षणिक रूप से हमारे एससी बंधुओं के बच्चे मजबूत होंगे और जब शैक्षणिक रूप से उनका विकास होगा तो निश्चित ही हमारा भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बढ़ने की ओर सतत अग्रसर रहेगा। उसी तारतम्य में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एससी बंधुओं के लिए नित नई योजनाएं बना रही है, जिनका क्रियान्वयन करते हुए एससी मोर्चे के हमारे कार्यकर्ता जन जागरण अभियान के तहत जागरूकता लाते हुए उन एससी बंधुओं को यह बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश की और केंद्र की सरकार एससी बंधुओं के लिए किस किस प्रकार की कौन कौन सी योजनाएं बना रही है, जिसको लेकर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उमरिया से नीरज सिंह, रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।